नमस्कार, कीर्तिज किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट किया हुआ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है वेजिटेबल पिज्ज़ा, लेकिन बिना ईस्ट, बिना ओवन और बिना मैदे से हम बनाएंगे। कढ़ाई में आटे का वेजिटेबल पिज्ज़ा, जो कि बहुत आसान है बनाना और बहुत टेस्टी भी है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। पिज्ज़ा देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा आटे का पिज्ज़ा कितना अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट है और यमी भी। तो चलिए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में एक छन्नी रखेंगे। इसमें एक कप आटा यानी 150 ग्राम के करीब, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। अब इसमें दो चम्मच तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें गाढ़ा दही आधा कप यानी 125 ml डाल के मिलाएंगे। ध्यान रहे, दही गाढ़ा होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा नरम और सॉफ्ट आटा लगाएंगे। ये आटा चपाती के आटे से भी नरम होना चाहिए। आटा जितना चिकना होगा हमारा पिज्ज़ा उतना ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब किचन काउंटर पे थोड़ा आटा छिड़क के हम इसको गूंदेंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसे गूंदेंगे। जितना देर तक हम गूंदेंगे उतना ही आटा नरम होगा। अब इसमें एक और चम्मच तेल डाल के अच्छे से गूंद लेंगे। अभी हमारा आटा बहुत चिकना हो चुका है, हाथ से भी चिपक नहीं रहा है। इसको अच्छी तरह से मसल के एक गोला बना लेंगे और इसको एक बड़े से बर्तन में रख के कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए ढक देंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए। अब एक स्टील की प्लेट लेंगे, उसमें बटर लगाएंगे। आप चाहे तो कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हो। बटर लगाने से पिज्ज़ा बेस का निचले का हिस्सा गोल्डन कलर आता है, थोड़ा क्रिस्पी भी बनता है। अब हम हमारा आटे को देखेंगे, थोड़ा फूल चुका है अभी, इसको और थोड़ा गूंद लेंगे। थोड़ा आटा छिड़क के इसका एक हम रोटी बना लेंगे, हाथ से प्रेस करके, नहीं तो बेलन की सहायता से एक रोटी बेलेंगे। कम से कम आधा इंच मोटा होना चाहिए। आपकी थाली का साइज जितना हो उतना ही बड़ा रोटी हमको बेलना है। अब इस रोटी को थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे, साइड से चिपकाते जाएंगे ताकि साइड से हमारा पिज्ज़ा थोड़ा फूला फूला बने। अब एक फोक की मदद से हम इसमें पोक करेंगे ताकि बीच में से कोई बबल्स ना आए जब हम बेक करते हैं। अब इसमें बटर लगाएंगे, बटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए ताकि आराम से रोटी में लग जाए। बटर लगाने से वो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आता है। उसके बाद इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून या आपकी मर्ज़ी से आप पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड कर सकते हैं।
पिज्ज़ा सॉस आपको अगर नहीं मिले तो इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस घर पे भी आप बना सकते हैं। इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब एक कप के करीब कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज़ हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। मोजरेला चीज़ थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड करिए, इससे पिज़्ज़ा चीज़ी चीज़ी बनता है। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट रख देंगे। अब एक कढ़ाई को गरम करेंगे, कोई भी स्टैंड नहीं तो कोई भी कटोरी लेके इसे रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको गरम करेंगे। कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए। 10 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बेस थोड़ा फूल गया है। अब इसमें आप अपने मर्जी से टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने कैप्सिकम, कॉर्न, थोड़े प्याज और थोड़े ऑलिव्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी सब्ज़ी डालना चाहो डाल सकते हो। अब इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्च और थोड़े ओरेगानो स्प्रेड करेंगे। अब प्री हीटेड कढ़ाई में पिज़्ज़ा को 5 मिनट तेज आंच पर और 15 से 20 मिनट मध्यम आंच पर कवर करके पकाएंगे। आप चाहे तो प्री हीटेड ओवन पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट तक बेक कर सकते हो। अभी पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, इसको बाहर निकाल के 2 मिनट ठंडा होने देंगे। अभी इसको धीरे से प्लेट से निकाल लेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट बना है। यह अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम काटेंगे। मेरे पास अभी पिज़्ज़ा कटर नहीं है, इसलिए मैं चाकू से काट रही हूँ। देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही यम्मी दिख रहा है। अभी देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। आप जितना चीज़ यूज करोगे पिज़्ज़ा उतना ही चीज़ी बनेगा। अभी देखिए कितना जालीदार बना है। ये हमारा आटे का पिज़्ज़ा कढ़ाई में होके रेडी है। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट्स देना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।